आप और मैं हूं आपका दोस्त जी ठाकुर, और एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल किंग्स विजन में। और भाई आ गए हैं हम चौथे पार्ट की तरफ। चौथे पार्ट में हम लास्ट के फेज में आए हुए हैं। अभी लास्ट का फेज तो नहीं बोलेंगे, अभी मिनिमम कितने कबूतर और बताना है, कम से कम 40 कबूतर या 30 कबूतर होंगे जो सिंगल अभी रखे हुए हैं। जो मैंने आपको बताया था कि नरेंद्र भाई कबूतर की एक साल में एक बार ब्रीडिंग करते हैं, तो सारे कबूतर सिंगल जो बचे हुए हैं हीरे डायमंड्स वो सारे आपको दिखाने चाहता हूँ। और एक जोड़ा ये रह गया था हमारा दिखाना आपको, तो ये एक जोड़ा दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये भी बहुत शानदार जोड़ा है। और क्या रिजल्ट है इनके? बहुत बढ़िया जीत भाई, बहुत अच्छा प्रवास किया कबूतर ने। जी जी, बहुत अच्छा उड़ रहा है। टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया है इन्होंने? नहीं, इनके बच्चे उड़े हुए। बच्चे उड़े हैं। ओके, तो भाई ये देख लीजिए, मैं आपको मेल की आंख दिखा देता हूँ सबसे पहले। क्या आप कुछ शानदार आंखों का कबूतर है, ये अभी डर रहा है। ये देखिए इसकी आंख, ये देख लीजिए इसके पंख के अंदर की तरफ उड़ रहे हैं, और ये पूंछ छोटी एकदम, ये इसके पंजे हैं। देख लीजिए इसकी फीमेल है, काली छीनी इसको हम बोलते हैं, रेड आइस। और अभी पंख आ रहे हैं इसके, तो बहुत शानदार पंख की कबूतरी देखे। ये इसकी पूंछ और ये इसके पंजे हैं। और अभी आपको यहाँ पे जो सिंगल्स जो कबूतर रखे हुए हैं जिनको अभी ब्रीडिंग में लगाना है वो स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आपको दिखाते हैं, मतलब स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट जो कबूतर दिखा रहे हैं डॉन। और ये इस आंख में कबूतर अगर आपने कहीं देखा हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा मेरे भाई कि हाँ हमने देखा है इस आंख में कबूतर। ओ भाई रुक जा, ये देखिए इसकी पुतली, आप देखिए सिर्फ इसकी पुतली अगर आपको दिख रही हो तो क्या आंखें और क्या स्ट्रक्चर है कबूतर का। डेंजर, एकदम ड्रैगन फेस जो हम बोलते हैं, अगर रात में देखो तो डर जाओ, वैसी चीज है ये, तो एकदम खतरनाक कबूतरों में शैतान कबूतर जिसको हम बोलेंगे। ये देखिए भाई, और इनकी उड़ान भी वैसी है, डेंजर वाली एकदम, पानीदार आंखों का कबूतर। इसकी आंख जितनी दिखाऊं उतनी कम, ये देखिए इसकी आंख। और शायद ही आपने ऐसे अनारे कबूतर कहीं देखे होंगे। ये इसके पंख है और इसकी पूंछ देख लीजिए आप, बिल्कुल सिंगल सिंगल उंगली। और अन्ना उड़े हुए हैं ये भी उड़ानों में, ये भी उड़ाए और इनका बच्चे भी बहुत खूब उड़ाए। क्या बात, इनके बच्चे भी भाई बहुत खूब उड़े हुए हैं। तो कबूतर देख लीजिए आप भाई, एक बार वापस से देख लीजिए। बहुत सारे लोगों का जी नहीं भरेगा तो एक बार फिर दिखा रहा हूँ मैं, आंध्रा की प्योर ब्रीड आपको दिखाने को मैं कोशिश कर रहा हूँ। छोड़ के इसकी चाल भी एक बार दिखा दीजिए भाई। अब आ जाते हैं भाई हम सेकंड कबूतर पे। तो ये मखियाना कबूतर है, ये देखिए सारे डेंजर वाले कबूतर आपको दिखाने की कोशिश में हूँ अभी फिलहाल। ये देखिए क्या बात, ये देखिए इसकी आँख, ये इसके पंख बिल्कुल मुलायम, पूंछ एकदम बंद, ये इसके पंजे। और सारे कबूतर ये 10 घंटे मिनिमम फ्लाइंग कर चुके हैं, सारे मेल्स हैं, आपको मेल्स दिखा रहा हूँ मैं सारे एक से एक एक करके। ये देखिए ये कबूतर है अभी जो उड़ेंगे शायद इस बार, इस साल उड़ेंगे टूर्नामेंट में। ये देखिए भाई क्या बात है, बहुत शानदार कबूतर है। पंख तो अभी शायद काट दिए, पंजे दिखा देता हूँ, जैसे ही इनके चोंच दिखेगी आपको वैसे ही इनके पंजे भी दिखेंगे। ये देखिए
ये काली आंखों में कबूतर जो मेरे को स्पेशली बहुत पसंद आते हैं, ये देखिए, सबसे भी इसकी आंखें देखिए एक बार, कलदुम्मा कबूतर है ये, कलदुम्मा कलंका, काली आंखों में जो होते हैं। ये देखिए व्हाइट पलकों का कबूतर जो बोलते हैं हम लोग, वो व्हाइट पलकों का है। इसके पंख तो अभी उखाड़ दिए हैं, इसके पंख नहीं दिखाऊंगा इसके लिए आपको। भाई ये देखिए, ये आपको दिखा रहा हूँ मैं चैंपियन कबूतर, और ये चैंपियन क्यों है ये भी अभी जान लेंगे हम। तो अन्ना क्या रिकॉर्ड्स हैं इस कबूतर के? 9 टूर्नामेंट्स और 2 बाजियों में उड़ा है ये सिर्फ एक साल में। क्या बात है, ये देखिए भाई, ये कबूतर 9 बाजियों में उड़ा हुआ कबूतर है, 2 टूर्नामेंट्स में भी। ओके, 2 टूर्नामेंट्स में भी उड़ा हुआ है और सभी में जीते हैं, सभी भी विनर है वो। क्या बात है यार, शानदार। वो जो सबूज दिखाया ना पहले आपको, हरा कबूतर का बच्चा है वो। क्या बात है, इसके पंजे लाइट आंखों में इतनी, कुछ आंखों में भी अगर आप देखें हैं तो कुछ ज्यादा डार्कनेस या खुकारपना नहीं दिख रहा है, लेकिन कबूतर में उड़ान इतनी कि आप यकीन नहीं कर सकते। और दूसरा है इनके साथ, ये भी उड़ा हुआ है। हाँ, 9 बाजियों में। 9 बाजियों में, क्या बात है, ये भी 9 बाजियों में उड़ा हुआ है भाई। वो मोचिन बोलते हैं, उसके साथ जुड़ा होके ये उड़ा है कबूतर। क्या बात है, वो देखा इस तरफ देखो, डायमंड स्पॉट दिखेगा आपको इस तरफ। हाँ, इस तरफ देखो, डायमंड स्पॉट दिखेगा आपको, डायमंड स्पॉट से अगर आप क्या बात है भाई, ये डायमंड स्पॉट्स वाला कबूतर आपको दिखा रहे हैं हम। क्या बात है, ये देखिए भाई डायमंड स्पॉट्स कहाँ पे, मतलब मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूँ, मैंने कहीं देखे नहीं ऐसे डायमंड, तो आप बताइए व्यूवर्स को कहाँ पे दिखेंगे अगर देखना होगा तो। ये देखिए अभी आँखों के अंदर। अच्छा, आँखों के अंदर अगर आप बोल रहे हैं तो ओके। तो ये आँखों के अंदर अगर आप जूम करेंगे तो आपको डॉट्स दिखेंगे बारीक, जो डायमंड स्पॉट्स की जो बात कर रहे थे, मुझे लगा शायद स्किन पे बात कर रहे हैं, लेकिन आंखों के अंदर डायमंड स्पॉट्स जो देखे हैं अगर आपको दिखेंगे वो शानदार है। इसके पंख, ये ब्रीडिंग वाले पेड़ से। हाँ, ब्रीडिंग, जिनकी पूंछ नहीं है तो आप समझ जाइए वो सारे कबूतर उड़ने वाले हैं, जिनकी पूंछ है और पूरे पंख कटे हुए हैं तो समझ जाइए कि वो सारे ब्रीडिंग वाले पेड़। और ये देख लीजिए भाई अनारा, इसका मारी ये मेल है क्योंकि सिंगल पड़े हुए हैं 6 महीने से, अभी आने वाले साल में इनका ब्रीडिंग स्टार्ट होगा, मई महीने में ब्रीडिंग स्टार्ट होता है। ओके, क्या बात है। तो ये मेल है, इसकी आंख देख लीजिए आप अनारा, और ये इसके पंख लंबे पंखों का कबूतर पूंछ तक, ये इसकी दुम है और ये इसके पंजे हैं, और इसकी फीमेल भी दिखा देते हैं आपको, ये पूरा जोड़ी है। ये देखिए भाई फीमेल की आंख, पूरा अनारा जोड़ा ही है। इसके भी पंख देख लीजिए आप, बिल्कुल चौड़े पंखों की कबूतरी है, पूंछ बिल्कुल बंद, पंजे एकदम खुश्क। ये देखिए बिल्कुल हाथ में रुकने के लिए तैयार नहीं है। ये कलंका एक और दिखा देता हूँ मैं आपको, ये देखिए लास्ट कबूतर बचा हुआ है अभी यहाँ का, बाकी सब दिखाई दिए मैंने। हाँ, सब दिखा, ये देख लीजिए भाई,
कैसे लगे आपको ये जो मेल्स अभी आपको दिखाएं, अभी हमको फीमेल्स दिखाएंगे नेक्स्ट पार्ट में, तो नेक्स्ट पार्ट में भी जरूर मिलेंगे आपसे, बहुत सारी बातें करेंगे। और लास्ट का पार्ट जो है अभी आना बाकी है, जो कि फिफ्थ पार्ट होगा और लास्ट पार्ट होगा। और पार्ट्स में आप बोल रहे हो कि जीत भाई ने इतने सारे वीडियोज बनाए बहुत बड़े बड़े, ये इतना छोटा क्या है? उसका रीजन ये है कि बहुत सारे भाई बोलते हैं कि ये बहुत ज्यादा बड़ी हो जा रही वीडियो, और एक बार देखा तो पूरा डेटा पूरा ऑफ हो जा रहा है जो 1 GB मिलता है। तो भाई मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे कारण आपको नुकसान हो, इसके लिए वीडियोस को थोड़ा छोटा कर रहा हूँ, कंप्रेस कर रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जब तक के लिए अपने भाई जीत ठाकुर को इजाजत दीजिए और देखते रहिए किंग्स विजन को। जय हिंद, जय भारत।